नमस्ते। ओशोज एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की, और कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ट से, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो पॉसिबिलिटीज़ कार्ड को समझने से पहले टू ऑफ वॉन्ट्स को समझेंगे। दोनों कार्ड का जो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कार्ड जो है उसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर हम टू ऑफ वॉन्ट्स की बात करें, टू ऑफ वॉन्ट्स में भी बात पॉसिबिलिटीज़ की जा रही है, लेकिन वहाँ बात की जा रही है कि आप अपनी एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, कि आपकी ऊर्जा जो है किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है समुद्र की तरफ जो है देख रहा है। ये वो सारी अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपनी वो सारी वो डायरेक्शंस देख रहा है जहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है, जहाँ पे वो हो सकता है, जहाँ पे वो अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन दे सकता है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स के अंदर एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक प्रोसेस में अपने आप को डालना है। तो ऑफकोर्स वो कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटी से मैच करता है, क्योंकि वहाँ पे आदमी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। और इसी को माइंड में रखते हुए अब हम कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड के अंदर हम पिक्टोरियल में देख सकते हैं कि एक ईगल, एक चील जो है ऊंचे आकाश में जो है उड़ रही है, और इस ईगल के ऊंचे उड़ने के कारण इस ईगल का जो विजन है वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि जितना आप जो है ऊपर उठ जाते हैं उतना जो है आपका विजन बढ़ जाता है, उतनी आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि क्या आप हो सकते हैं। जितना आप अपने आप को लिमिटेड समझते हैं उतना जो है आपकी पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। आपने अपनी पोटेंशियल को ठीक से समझा नहीं, जिस दिन आप अपनी पोटेंशियल को समझते हैं उस दिन जो है आप ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, और उस दिन जो है आपको अपनी असली पॉसिबिलिटीज़ का समझ में आता है कि कहाँ आप उड़ सकते हैं, क्या आप हो सकते हैं। और ये कार्ड सिंपली हमें एक ऐसी स्थिति बता रहा है कि आपने जो है अपने अंदर एक ग्रोथ को जन्म दिया है, कि आपके अंदर जो है एक मैच्योरिटी लेवल जो है बढ़ रहा है, कि आप रियलाइज करना शुरू कर चुके हैं कि क्या आप हो सकते हैं, कि अब आप अपने आप को जो है लिमिटेड नहीं समझते हैं, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अनलिमिटेड पोटेंशियल आपके अंदर है। इस कार्ड के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो एक मूवी है द लिमिटलेस। अब इस मूवी में तो सिंपली एक ड्रग को दिखाया है जिसको खा के आदमी जो है लिमिटलेस हो जाता है, कि जो उसकी पोटेंशियल है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। कि मूवी में हम देख सकते हैं कि क्या कुछ वो नहीं कर सकता, लैंग्वेजेस सीख सकता है, किताब लिख सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और वो पॉसिबल कैसे हो पाता है, जब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर की जो ताकत है वो लिमिटलेस है। मूवी में तो खैर बात ड्रग्स की हुई है, और जब भी आप कोई बाहर से कुछ सेवन करेंगे, जब भी कोई आप ड्रग बाहर से लेंगे, कोई बाहर से कोई सहारा लेंगे अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही रहेंगी। हाँ, आपको ग्लिम्प ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी जो है ज़मीन पर आके गिर पड़ेंगे। जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब आपको जो है एक तरह की ग्लिम्प्स देती हैं, आपको एक झलक देती हैं कि आपके भीतर जो तत्व है, कि आपका जो होना है वो इतना विराट है, कि जब आप अपनी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने लिमिटेड होके जो है आप अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ को जो है अपने भीतर से जो है जगाना है, बाहर के सहारे से नहीं, अपने भीतर के ध्यान से, अपने भीतर के अवेयरनेस से। गुरु ओशो जो है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बोलते हैं कि मन जो है कोई भी छोटी सी चीज़ के साथ राज़ी होने के लिए तैयार है, क्योंकि मन का काम यह है कि आपको जो है सिक्योर बना दे। उसको जब मिलना शुरू होता है तो वो कहता है कि रुक जाओ, लेकिन ओशो कहते हैं कि जब बात भीतर की हो तो वहाँ पे कभी भी सेटिस्फाई मत होना। वो कहते हैं बाहर कुछ भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए, उसमें जो है संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन जब बात आती है भीतर की तो जितने ज़्यादा आप ग्रीडी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आप लालची हो सकते हैं, जितने ज़्यादा जो है उस स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस आकाश में उड़ सकते हैं, तो फिर अपनी पॉसिबिलिटीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई मत कर लीजिएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो है बड़ा आकाश है, और जैसे जैसे जो है आप उन बड़े आकाशों में जो है प्रवेश करते हैं, आपको जो है एक नया जीवन मिलता है, आपको जो है अपने जीवन को जीने का एक नया ढंग मिलता है, आपके जीवन में एक रौनक आ जाती है। और ये सब जो है ये पार्ट है आपकी ग्रोथ का। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे जो है आप इस
अंतर आकाश में जो है गहरे जाना शुरू करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले बात करी कि पॉसिबिलिटीज़ के साथ बात कुछ ऐसी है, आपके पास उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जितना आपका जो है विज़न बड़ा है, जितना जो है आप ऊपर से चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ आप खड़े हैं और कहाँ आप जा सकते हैं और क्या आपकी जो है ऑप्शंस हैं। और वो सारी की सारी बात जो है घूम फिर के अवेयरनेस की आ जाती है, कॉन्शियसनेस की आ जाती है। जितने अनकॉन्शियस आप होंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, आपका जो पिंजरा है बहुत छोटा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें होश की ऊर्जा जो है प्रवेश करनी शुरू होती है, आप ये देख पाते हैं कि आप अनलिमिटेड है, कि आपकी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, कि आपका जो पिंजरा है जिसमें आप थे वो जो है गायब होने लगा, वो मिटने लगा। तो अगर हम आपके स्वभाव की बात करें तो आपके स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो अगर जो है भीतर के आकाश में अगर प्रवेश करेगा वो ब्रह्म की तरह जो है फैलता चला जाएगा। तभी जीसस क्राइस्ट ने जो है ये बात कही कि मी एंड माई फादर आर वन, कि मैं और मेरा पिता जो है वो एक है। तभी जो है उपनिषद ने ये बात कही अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। तभी जो है मंसूर ने ये बात कही अनल हक, कि मैं वही हूँ। ये सब बातें जो हैं उस आकाश की तरफ जो है इशारा कर रही हैं, जो आकाश आपका है, जो आकाश जो है आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपकी रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं। भारत में एक संत हुए नागार्जुन, और नागार्जुन जो है वो परम कोटि के संत थे। वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे, वो नग्न रहते थे और उनके पास सिर्फ एक जो है भीख का कटोरा होता था। और सभी जानते थे वो कितने रियलाइज मास्टर हैं, कि कितने पहुँचे हुए वो संत हैं। एक दिन जो है वो किसी शहर में प्रवेश करे, वहाँ के राजा और रानी जो है उनसे बहुत प्रेम करते थे। वो राजा रानी जो है उनको मिलने गए। राजा रानी को पता था कि संत नागार्जुन के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भिक्षा के पात्र के सिवाय। तो रानी ने उनके लिए एक स्वर्ण का जो है भिक्षा पात्र उनके लिए बनवाया और उसमें हर तरह का जो है हीरे जवाहरात जो है उसमें जड़े, और वो बनवा के उनको वो भेंट करने गए। राजा रानी को डर था कि शायद वो भिक्षा पात्र को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो स्वर्ण का है। लेकिन जब उन्होंने जो है नागार्जुन को जो है वो भिक्षा पात्र दिया तो उन्होंने जो है बहुत स्वाभाविक ढंग से जो है उसको स्वीकार कर लिया। एक बार राजा और रानी को भीतर से विचार आया कि ये संत हैं, हो सकता है कि ये इस स्वर्ण का जो भिक्षा पात्र है स्वीकार ना करें। लेकिन नागार्जुन ने सिंपली जो है ये चीज़ देखी कि मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, तो उन्होंने ले लिया। तो वो भिक्षा पात्र लेके जो है वहाँ से निकल गए, और जब वो वहाँ से निकले तब से जो है उनके पीछे एक चोर पड़ गया। वो उनके पीछे पीछे जो है जाता रहा जहाँ वो जाते रहे, क्योंकि चोर ने देख लिया था कि ये भिक्षा पात्र जो है स्वर्ण का है और इसमें जो है हीरे जवाहरात जो है जड़े हुए हैं, और उसने क्या सोचा कि जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं ये चुरा लूँगा। नागार्जुन जो है देख सकते थे, उनको पता चल रहा था कि ये चोर जो है उनके पीछे पीछे आ रहा है। तो खैर चलते चलते जो है कुछ टाइम बाद जो है उन्हें एक खंडर दिखा जहाँ पे वो आराम करने के लिए रुके। वो खंडर के अंदर चले गए विश्राम करने के लिए। बाहर जो है चोर जो है दबे पांव आया और उसने सोचा कि यही एक सही समय है भिक्षा पात्र को चुराने का। अभी ये सोच ही रहा था, अपना जो स्वर्ण का जो भिक्षा पात्र है वो बाहर फेंक दिया। चोर तो बहुत हैरान हुआ, और इस करने के कारण जो है चोर ने जो है वो भिक्षा पात्र जो है वो चुरा नहीं पाया। वो भिक्षा पात्र लेके जो है अंदर उनसे मिलने चला गया, और चोर ने जो है उनको बोला कि आपने जो है भिक्षा पात्र मुझे ऐसे ही दे दिया, और आपने जो दिया सो दिया लेकिन मैं ले नहीं पाया। तब नागार्जुन ने बोला कि मेरा पर्पस ही ये था कि तू मुझसे आके मिले। ये सब कुछ देख के जो है चोर जो है बहुत उनसे प्रभावित हुआ, और उस चोर ने बोला कि क्या मुझे जो है आप दीक्षा देंगे, क्या आप मुझे संन्यास देंगे? हाँ, लेकिन मैं एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरा जो धंधा है वो चोरी का है और मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। नागार्जुन ने कहा कि फिक्र छोड़ चोरी की, तूने जितनी चोरी करनी है तू चोरी कर, मैं तेरे सामने सिर्फ एक ही शर्त रखता हूँ, तूने अगर चोरी करनी है तो होश के साथ चोरी कर, पूरी की पूरी अवेयरनेस के साथ चोरी कर। चोर ने बोला ये तो बहुत छोटी सी बात है, अब से जो है होश रख के चोरी करूँगा। तो नागार्जुन ने कहा कि तू एक काम कर, तू 10 दिन ले ले और 10 दिन जो है चोरी जो है होश के साथ करियो।
और उसके बाद जो है मेरे पास जो है तू आ जाइए, मैं तुझे संन्यास दे दूंगा। 10 दिन बाद जो है चोर जो है वो वापस जो है नागार्जुन से मिलने गया और उसने जो है नागार्जुन के पैरों को जो है छुआ और प्रणाम किया और हंसते हुए उसने जो है ये बात बोली कि आपने जो है मुझे अच्छा उल्लू बनाया। आपको अच्छे से पता है कि होश में जो है कोई भी काम गलत नहीं हो सकता। मैं जब भी चोरी करने की कोशिश करता होश रख के, मुझसे चोरी होती नहीं थी। मुझे दिखता कि कितना बेफजूल है सब कुछ। तुम्हारे इस छोटे से सूत्र के कारण, इस होश के सूत्र के कारण जो है मैं अब चोरी नहीं कर पाता। और फिर कहते हैं उसी वक्त जो है चोर ने जो है नागार्जुन से दीक्षा ली और संन्यास में प्रवेश किया। ये स्टोरी सिर्फ जो है एक तरह की पॉसिबिलिटीज़ की बात करती है। आप चाहो तो चोर बन जाओ, नहीं तो अपने भीतर की पोटेंशियल को देखो तो नागार्जुन भी हो सकते हो। चाहो तो सिर्फ कीचड़ तक रुक जाओ, नहीं तो चाहो तो कमल भी बन जाओ। सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपके भीतर है। तो इसको जो है, इस शरीर को, इस मन को जो है लिमिटेड मत समझिएगा। इसकी बहुत पोटेंशियल है, इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके भीतर का जो एक्सप्रेशन है वो जो है खिल के जो है बाहर आए। आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकें और आप वो हो सकें जो आप यहाँ होने के लिए हैं। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।